आपने ये नजारा देखा होगा, हम सब लोग महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के लोग बहुत ही हंसते हंसते प्रसन्न चेहरे से बाहर आ गए हैं। उसका मतलब आप समझ लीजिए, आज महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उसमें शिवसेना, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सीट शेयरिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में मुकुल वासनिक जी के घर पर हो गई, जहां कांग्रेस की तरफ से आपने देखा होगा कि रमेश चिंथियाल जी है, अशोक गहलोत साहब थे, मोहन प्रकाश जी, अशोक राव चौहान, सलमान खुर्शीद साहब थे, मुकुल वासनिक जी तो चेयरमैन थे, उनके घर में हम बैठे हैं। और महाराष्ट्र से नाना पटोले साहब आए थे, बाला साहेब थोरात है, अशोक चौहान जी है और एनसीपी से जितेंद्र आवाज जी है, और मैं खुद और हमारे विनायक राउत जी भी थे। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग में, सभी सीट पर वन टू वन बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है।